पीएम मोदीए पोलेंड में आप्यो शांति नो संदेश। पोलेंड ना वोर्सो शहर में भारतीयों ने संबोधन कर्यु। यूक्रेन जता पहला युद्ध विराम अने शांति नो तेमणे संदेश आप्यो। भारत सौनी साथे सौनु हित विचारे छे। प्रधानमंत्री आ वात करी, भारत बुद्धनी विरासत वाली भूमि छे, आपणे युद्ध नहीं शांति पर भरोसो करीए छे। भारत आ क्षेत्र में स्थायी शांति नी पेरवी करे छे। वर्तमान युगे युद्धनो नहीं एकजूट थवानो छे। पीएम मोदीए पोलेंड में जाम साहेबनो पण उल्लेख कर्यो। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी, और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है, और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, जब पोलैंड की हजारों महिलाएं और बच्चे शरण के लिए जगह जगह भटकते थे, तब जाम साहब दिग्विजय सिंह, रंजीत सिंह, जाडेजा जी आगे आए। उन्होंने पुलिस महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया था, और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि जाम साहब के बनाए रास्ते को पोलैंड ने आज भी जीवंत रखा है। दो दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था।